जहानाबाद में फिल्मी एक्शन। आरोपी के अपहरण के लिए कोर्ट पहुंचे 7 लोग, वकील के चैम्बर से उठा भी लिया, फिर जाबाज दरोगा ने दिखाई दिलेरी। दरअसल आपको बता दे, कोर्ट को सबसे महफूज जगह माना जाता है। फिल्मों में भले ही कोर्ट में हत्या या फिर कोर्ट से अपहरण की घटना देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत में कोर्ट के अंदर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम होते हैं। लेकिन जहानाबाद में सिविल कोर्ट से एक हत्या के आरोपी के अपहरण की कोशिश की गई। गांव के 2 लोगों ने, उनके 7 लोगों ने वकील सुरेंद्र शर्मा की चैम्बर से आरोपी सुधीर शर्मा को उठा लिया, अपहरण कर कहीं और ले जाते। उससे पहले ही टाउन थाने के जाबाज दरोगा राजेश कुमार की नजर पड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार राजेश अकेले सुधीर शर्मा को अपहरण कर ले जा रहे लोगों से भिड़ गए। कोर्ट में तैनात एक और पुलिस की मदद से अपहरण करने आए लोगों के चंगुल से सुधीर शर्मा को छुड़ा लिया गया। दरअसल 15 जुलाई को जिले के फुलसंग थाना क्षेत्र के खुदोरी के रहने वाले संतोष को बैनीपुरी में हत्या हुई थी। हत्या का आरोप सुधीर शर्मा के साथ 5 लोगों पर लगा था। सुधीर शर्मा इस मामले में सरेंडर करने जहानाबाद कोर्ट पहुंचे। आपको बता दें, लंच ब्रेक के बाद दोपहर 2 बजे सुधीर शर्मा की पेशी नए CGM के कोर्ट में होनी थी। इस अलायंस पर पहुंचने से पहले सुधीर शर्मा अपने वकील सुरेंद्र शर्मा के चैम्बर में बैठे थे। इस समय 5 नकाबपोशों के साथ उनके गांव के ही 2 लोग वकील के चैम्बर में पहुंच गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले सुधीर शर्मा को मारपीट करते हुए सभी लोग उठा ले गए। मामला सामने आने के बाद कोर्ट में हंगामे की स्थिति बन गई। कहते हैं कभी कभी किस्मत दिल से साथ दे देती है, कुछ ऐसा ही सुधीर शर्मा के साथ हुआ। सुधीर को लेकर लोग कोर्ट से बाहर निकले ही थे कि वहां किसी काम से खड़े टाउन थाने के दरोगा राजेश कुमार की नजर उन लोगों पर पड़ गई। राजेश कुमार खाली हाथ होते तो अकेले सभी लोगों से भिड़ गए। किसी तरह सरेंडर करने आए सुधीर को बचाया। साथ ही जो लोग अपहरण करने आए थे उसमें भी 2 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने वालों में एक राजीव कुमार अभी भी पुलिस हिरासत में है, जबकि एक और पकड़ा गया शख्स किसी तरह पुलिस को चकमा देकर के भागने में सफल हो गया। न्यूज 18 की रिपोर्ट।